भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से बागी हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल को हाईकमान ने मना लिया है, जिस पर प्रेम कौशल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्रेम कौशल को पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रवक्ता का कार्यभार सौंपा है, जिस पर अब प्रेम कौशल ने पार्टी के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। प्रेम कौशल ने बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को बीजेपी नेताओं से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 सालों में काम करवाया है, जिस पर अब प्रदेश में जनता फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी के हित में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी का जो मिशन रिपीट का लक्ष्य है वो कांग्रेस पार्टी हासिल करे, इस कारण से मैंने अपना नामांकन पत्र वापिस लिया। और दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब मैंने की मेरे छात्र जीवन से, तो पहले नेता के तौर पर उन्हीं को देखा था, तब से उनके साथ जुड़ा था। मेरे राजनीति का जो सफर है वो उन्हीं की छत्र छाया में यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उनके आदेशों की अनुपालना करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, इसी के चलते मैंने आज अपना नामांकन पत्र जो है वो वापस लिया है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जो भावना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तासीन हो, उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि पार्टी हाईकमान के कहने पर नामांकन वापस लिया है और अब प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हित में फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों के समय फिजूल की बातें करती है, जिस पर अब जनता भी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस ने अथा विकास करवाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता मुझे नियुक्त किया है पार्टी ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस दायित्व को अच्छी तरह से और पूरी ईमानदारी से निभा पाऊंगा। मुझे जो मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आए हैं, उनका आदेश हुआ है कि मैं शिमला में बैठकर जो जिम्मेदारी मुझे प्रदेश प्रवक्ता की दी गई है उसको मैं निभाऊं। कल मैं शिमला प्रस्थान कर रहा हूं और वहां बैठ के कांग्रेस पार्टी के लिए मैं प्रवक्ता के तौर पर काम करूंगा। बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम है, वो सारी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगी। जो काम पिछले 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया है, उसके ऊपर मैंडेट जनता देगी। वो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी को बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या काम किया, उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उसका सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश की जनता मैंडेट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देकर अपने आप देगी, स्वतः देगी।